हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। तीसरे नवरात्रे की शुभकामनाएं। आज मैं बना रही हूँ व्रत वाला पनीर रोल। तो जी, पनीर रोल कैसे बनाते हैं देखिए। ये साबूदाना लिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। अब इसको हम छानेंगे। नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो। मैं ये धनिया और हरी मिर्च वगैरह नहीं खाती हूँ तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप खाते हो तो आप डाल सकते हो। दो उबले हुए आलू लिए हैं। आलू, नमक और साबूदाना हमारा मिक्स हो गया है। इसका हमें एक डो बनाना है। तो जी चलिए डो बना लेते हैं। देखिए जी, हमारा डो बन गया है। मैंने इसमें पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है क्योंकि आलू में थोड़ा सा होता है, तो इससे ही हमारा अच्छा डो बन जाएगा। फिलिंग के लिए मैंने पनीर लिया है। सादा नमक, काली मिर्च पाउडर और ये मैंने ऑरेंज वाली गाजर ली है। इसका भी हम इसी में यूज करेंगे और हाथ की सहायता से इसे मैश कर लेंगे और इनका टेस्ट दोगुना करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दही। दही से इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाएगा और दही के बाद में जाएगा थोड़ा सा नमकीन पाउडर। अगर आपका डो भी टाइट हो जाता है तो आप थोड़ा सा दही का यूज करके उसे मतलब सॉफ्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा भी टाइट हो गया है तो मैं दही का यूज कर रही हूँ, इससे सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने ऐसी एक पेड़ी बना ली है। अगर आप भी बनाओ तो ऐसी ही पेड़ी बनाना। और अब इसके अंदर हम पनीर की फिलिंग करते हैं। और आप इसे कोई भी आकार दे सकते हो, लंबा या गोल। एक बन गया है। अगर दही डाल के भी आपका डो सॉफ्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा आप उसमें पानी का यूज कर। गर्म हो गया है और एक तो करके हम फ्राई करेंगे। एक हमारा बन गया है।